हाय, आई एम विवेक नारायण शर्मा। मैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूं और पिछले 20 साल से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूं। मैं इस बार सुप्रीम कोर्ट में सेक्रेटरी के चुनाव के लिए खड़ा हूं। तो क्यों खड़ा हूं, इसके कुछ वजह हैं। मेरा ख्याल है कि जब से सुप्रीम कोर्ट चली है, जब से सुप्रीम कोर्ट बनी है, उसी पीरियड से बार एसोसिएशन का भी वहाँ पर वकीलों के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, वकीलों की सहूलियत के लिए, ये सारी एसोसिएशंस का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि जो कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वकीलों से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किस तरह से मैनेज होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेके बार एसोसिएशंस का रोल होता है कि वो इसको तय करें। साथ में वकीलों को कोर्ट में किताबें चाहिए, कोर्ट में क्या और दूसरी सहूलियतें चाहिए, उन चीज़ों की देखरेख भी बार एसोसिएशंस करती हैं। इसके अलावा वकीलों के वेलफेयर के लिए क्या क्या स्कीम्स होनी चाहिए, कल को कोई किसी के साथ परेशानी आ जाए तो बार एसोसिएशन ऐसे समय में हर वकील के साथ होनी चाहिए। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से बार एसोसिएशन किसी भी तरह की एसोसिएशन का समय के साथ में पनपना हुआ। वकीलों को कल को कोई परेशानी होती है मेडिकल सपोर्ट, तो उनको मेडिकल सपोर्ट में क्या क्या चीज़ें मुहैया मिलनी चाहिए, वो किसी को अलग तरह की परेशानी है, सामाजिक तरह की परेशानी है, तो ऐसे में भी बार एसोसिएशंस का कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी वजह से ये एसोसिएशंस कम फंक्शन करती हैं। तो मैं पिछले 2 साल से सुप्रीम कोर्ट AOR एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा हूँ और अभी मैंने कुछ समय पहले ही उसमें रिज़ाइन किया है। तो अभी इस बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में सेक्रेटरी के तौर पर आने का एक बहुत बड़ा कुछ मेरे भी अपने रीज़न है कि क्यों मैं आना चाहता था। तो जिसमें बहुत बड़ा कुछ जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि पिछले गत वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना जो पुराने अप्पू घर की लैंड में बना, और वो लैंड वकीलों के कार्यक्रम के वकीलों की मदद से ही उस चीज़ को, उस लैंड को, अप्पू घर की लैंड को सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। लेकिन जब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर चीज़ें तैयार हुई तो वकीलों के चैम्बर्स केवल मात्र 5-7% लैंड के ऊपर मिले और बाकी सारी लैंड को सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री के लिए और दूसरे कार्यों के लिए रख दिया। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि वकीलों का क्या अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी लैंड है या जितना भी सुप्रीम कोर्ट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार होता है, उसमें वकीलों का क्या अधिकार है। 14,000 वकील हमारे पास रजिस्टर्ड हैं SCBA में, उतना तो रजिस्ट्री का स्टाफ भी मेरे ख्याल नहीं होगा, और रजिस्ट्री का स्टाफ वहाँ पे उनके लिए अलग बहुत सारा बहुत ज़्यादा स्पेस है और वकीलों के लिए बहुत कम स्पेस है। तो इन सब मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोगों में वीकनेस है, हम लोग उन मुद्दों को सही ढंग से नहीं देख पाए हैं और सही ढंग से जजेस के सामने बता पाए हैं कि इसमें ये अधिकार हमारे जो हैं वो हमारे अधिकारों को बाकायदा उनको देखें और उनको पूर्ण भी करें। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है कि बहुत सालों से, मुझे 20 साल हो गए वकालत करते हुए, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे परिवार में कोई जज नहीं है, बल्कि मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ, एक प्रोप्राइटी का तौर पे मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जिस भी कोर्ट में किसी कोई भी जज है तो ऐसे में उसका कोई भी क्लोज रिलेटिव उस कोर्ट में उसको वहाँ पे वकालत नहीं करनी चाहिए। दिस इज रिगार्डिंग प्रोप्राइटी। तो ये बात सही भी आप कह सकते हो, ये बात गलत भी आप कह सकते हो, बट एट द सेम टाइम हमारे प्रोफेशन में सेंस ऑफ राइचियसनेस इज समथिंग which is very primary। जैसे कहते हैं कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। सो ऐसे मामलों में जहां पर अगर आप कोई भी पर्सन किसी कोर्ट में जज है तो उनका कोई भी क्लोज रिलेटिव उस कोर्ट में अगर करेगा, वो वकालत करेगा, तो उसमें ऐसा अंदेशा पैदा होता है कि उसको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। तो न्यायिक तौर पर अगर इस बात को कहा जाए तो इस तरह के एस्पर्शंस को पैदा ना ही होने दिया जाए, तो ताकि इस तरह की कोई गलत बात दिखे भी ना, महसूस भी ना दे, तो हमें
हम ये एक मैं एक डिमांड कर सकता हूँ इस चीज़ की। बार एसोसिएशन के तौर पे मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई, उन लोगों ने कहा कि हाँ उनका भी इस बारे में यही तर्क है। तो मैं चाहता हूँ कि मुद्दे केवल बात करने के लिए ना हो, हम एक्चुअली उन मुद्दों का निस्तारण किसी ना किसी विधि से करें।